कभी आरोही, कभी तारा, कभी मेरी उड़िया और हाल ही में तेरी मेरी एक जिंदगी में अपने अभिनय का कमाल दिखाया। लेकिन आजकल अलीशा फ्री हैं, डांस कर रही हैं और वो कर रही हैं जो अब तक शूटिंग के चलते वो नहीं कर पाई। नया साल यानी 2022 आने को तैयार है, ऐसे में अलीशा अपनी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू करने वाली है। इसलिए वो पहुंची टैरो कार्ड रीडर आयुष के पास जानने अपना भविष्य, क्या उन्हें बिग बॉस करना चाहिए या फिर खतरों के खिलाड़ी, क्या फिल्में करनी चाहिए या फिर वेब सीरीज। ये कुछ ऐसे ही सवाल अलीशा के मन में है जिसका जवाब देंगे टैरो कार्ड आयुष के कार्ड्स। तो चलिए अलीशा के साथ शुरू करते हैं ये सिलसिला। सबसे पहले अलीशा ने जो नया नया डांस सीखा है जिसपे वो बिजलियां गिरा रही हैं, पहले वो देख लेते हैं। अब आयुष रैनी है अपने कार्ड के साथ और अलीशा भी तैयार है अपने सवालों के साथ। हमारे साथ हैं मिस्टर आयुष, जिनके साथ मिलकर हम ये टैरो कार्ड से पता करेंगे कि 2022 कैसा रहने वाला है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, 2021 एंड 2020 इवन इफ वी कंसीडर दैट बहुत ज्यादा खास नहीं रहा है किसी के भी लिए बिकॉज ऑफ कोविड एंड द लॉकडाउन, यू नो काफी लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आने वाला साल 2022 हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हम सबके लिए कैसा होगा और जो कोविड की परेशानी है वो कम होगी या नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट विद दैट। First card is Six of Pentacles, second is the Hermit, and third is the World. See the world. हमने हम सबके लिए सवाल पूछा था और कार्ड्स उस हिसाब से आए हैं। Wow. 22 yeah. will not be so negative जितने 2020 था या 2021 था, but there is chances of third wave, but उसका impact लोगों में कम होगा या उसका impact या death rates या जो एक ऐसी नेगेटिविटी है जो सबको इफेक्ट करेगी वो कम होगा, उसका इफेक्ट कम होगा। बट ऑफ कोर्स बी रेडी फॉर थर्ड वेव, जो भी प्रिकॉशंस हैं वो आप लीजिए, क्योंकि शायद आप प्रिकॉशंस लेंगे या जो मेजर्स हैं अगर आप वो लेंगे तो उसका इम्पैक्ट और भी कम होगा, तो लोगों में कम लोगों की जान की सुरक्षा ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स। एंड ओवरऑल फॉर द वर्ल्ड ये था, फॉर इंडस्ट्री ये बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला भी साल होगा और एक ऐसा टाइम होगा जब इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा साल भी हो सकता है ये।
तो इट कैन बी 50% अप्स एंड डाउन्स वाला साल और 50% बहुत ही अच्छा फॉर इंडस्ट्री. सो या ऑल द बेस्ट फॉर द होल वर्ल्ड एंड टू द होल बेटर देन 2020 एंड 2021 ऑफ कोर्स अ बिग रिलीफ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी काफ़ी सारे रियलिटी शोज हैं, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो, चाहे वो झलक हो, और भी बहुत सारे रियलिटी शोज हैं. आई डोंट नो बट अगर मुझे उनमें से अपने लिए कोई एक सेलेक्ट करना हो, विच वन अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स यू कैन टेल मी मेरे लिए ज़्यादा सही कौन सा होगा. Okay. और फ्रॉम विच वन शुड आई स्टार्ट रियलिटी शोज इफ आई हैव टू गो देयर. सो गिव मी ऑप्शंस ऑफ एनी थ्री रियलिटी शोज. I think let's give Big Boss and Khatron Ke Khiladi and Jhalak. Okay. See for now, मैं आपको दो शोज बोल सकता हूँ जो बेटर होंगे आपके लिए, क्योंकि फिलहाल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रियलिटी शोज से फेम एंड ऑल, वो मोस्टली आपको बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी से मिलेगा. एंड मोस्टली अगर हम दोनों में कंपेयर करें बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी में, खतरों के खिलाड़ी इज़ द बेस्ट वन फॉर यू. एंड ऑफ कोर्स बिग बॉस इज ऑल्सो गुड फॉर यू, बट या खतरों के खिलाड़ी इज मच बेटर देन बिग बॉस फॉर यू. वो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि मुझे मुझे रेप्टाइल से डर लगता है, मुझे इंसेक्ट से डर लगता है, मुझे आई कॉन्ट टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स. आई कॉन्ट इवन वॉच देम इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक आई स्क्रीम. बहुत स्नेक्स होते हैं एंड आई कॉन्ट इवन टच देम. उनको पकड़ना और उनको अपने यू नो नेक के अराउंड ऐसे करके गाने गाना, वो सब गलती से मुंह में भी चले जाते हैं. आई विल वर्क ऑन दिस. Obviously, I would love to try for Big Boss also, but Big maybe Boss bhi acha hai. Maybe now before I would try for Khatron Ke Khiladi and then Big Boss. Colors, you're listening na? Hello. So my next question is, आजकल everybody knows that OTT बहुत चल रहा है, यानी you know OTT का ज़माना है. People love watching web shows and web series. But we also know that TV has a different reach, it has different audience. So, you know, if I have to decide between one, like TV or fir OTT, it can never be easy for me. So, I want you to tell me through these cards, what is much better for me? Or should I shift on to web? Yeah, fir TV is only the better thing for me to do. Or maybe some other platform, I don't know. Bollywood movies, you never know. Okay, we love fortune. Okay. So the first card is Page of Swords, the Moon, and the third card is Wheel of Fortune. सो ऑफकोर्स अभी आप जहाँ हो, जिस लेवल पर हो, आप टेलीविजन कर रहे हो, ऑफकोर्स दैट फील्ड इज़ गुड अकॉर्डिंग टू पेज ऑफ सॉर्ट्स. बट इन नेक्स्ट 3 to 4 months आई कैन से अकॉर्डिंग टू द मून, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड कर रहे होंगे. पीपल वुड बी सेइंग कि आप टी वी ही करो, वेब शोज मत करो, ओ टी टी मत करो. बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ओ टी टी करो, टेलीविजन छोड़ दो. बट राइट नाउ आई विल सजेस्ट आप अपनी सुनो, वॉट यू आर थिंकिंग, वॉट यू आर प्लानिंग, आपके लिए क्या सही है, वो डिसीजन्स आप लो. एंड राइट नाउ आई विल सजेस्ट यू विल डेफिनेटली गेट गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ओ टी टी, वेब शोज एंड इवन फॉर बॉलीवुड टू. सो या बी ओपन फॉर दैट इन नेक्स्ट 3-4 months. एक्चुअली आई हैव बीन गेटिंग फ्यू नरेशंस एंड स्टोरीज रिगार्डिंग दोस थिंग्स. ओके. आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद टीवी, सो इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, इट्स पार्ट ऑफ हु आई एम नाउ. एंड बींग एन एक्टर ऑब्वियसली मीन्स एंटरटेनिंग माई यू नो माई फैंस एंड माई ऑडियंस. सो आई रियली डोंट केयर that much that you know what the platform is. Maybe it's TV, maybe it's web, maybe it's movies. I just have to entertain my audience and the story has to be good, the character has to be interesting. So for me that matters a lot more than you know the platform. So I think I should stop here. Lekin you know it was amazing. Thank you so much Ayush, because kai baar you know you have so many confusion in your mind, but
दिस टैरो कार्ड रीडिंग आई थिंक इट जस्ट गेव मी अ पॉजिटिव एनर्जी एंड इट गेव मी अ मोटिवेशन एक्चुअली लाइक यू नो यू कैन ट्राई इट आउट एंड आई ट्राइड इट एंड इट वाज अमेजिंग आई लव्ड इट थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल एंड 2020-2021 हम सबका थोड़ा यू नो इट वाज हार्डकोर एंड वी ऑल यू नो पेड अ प्राइस बट आई थिंक एज ही सेड 2022 अब आने वाला है और वो ज़्यादा बेहतर होगा हम सब के लिए आई होप यही उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक रहें स्वस्थ रहें घर पे रहें तो उम्मीद करते हैं कि अलीशा को उनके सवाल मिल गए होंगे और 2022 में होगी उनकी नई शुरुआत आज तक ब्यूरो